गुरुग्राम के सेक्टर 46 में अवंती स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स का उद्घाटन हुआ, जहां गुरुग्राम की मेयर भी शिरकत करने पहुंची। इस स्कूल में सुविधा से वंचित बच्चों को अपना हुनर दिखाने का मौका मिलेगा। अपना टाइम आएगा का एंथम लेते हुए अवंती स्कूल ऑफ परफॉर्मेंस आर्ट्स ने सुविधा से वंचित बच्चों को मदद करने की शुरुआत की है, जहां बच्चों को उनके हुनर की पहचान और उनके हुनर पर काम कराया जाएगा। साथ ही वहां गुरुग्राम की मेयर श्रीमती मधु आजाद भी बच्चों का हौसला बुलंद करने पहुंची। मेयर का कहना है, पढ़ाई के अलावा बच्चों को अतिरिक्त गतिविधियों पर भी ध्यान देना चाहिए। मेरा नाम अवंती आर्या है और मैं कोई 5 साल पहले कुछ ऐसे लोगों के संपर्क में आई थी जो लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, लेकिन उनको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं था। एक शाम को मैं अचानक चली गई वहाँ, तो वो लोग एक रजिस्टर में हिसाब लगा रहे थे कि शायद जिस जगह वो क्लासेस कर रहे हैं वहाँ किराया निकालने के लिए पैसे नहीं है, क्योंकि जितना पैसा आ रहा है उसके बदले में खर्चा नहीं चल रहा है, उनके टैलेंट वेस्ट हो रहे हैं और उनकी फैमिली उनको सपोर्ट नहीं कर सकती। मैंने उनसे पूछा कि क्या मैं आप लोगों के साथ कुछ कर सकती हूँ, और उसके बाद जो मैम कह रही हैं, रंगभूमि में हमने वहाँ शोज शुरू किए थे और वहीं से ये ग्रुप चलता आ रहा है। फिर धीरे धीरे ज़रूरत पड़ी कि हम एक स्टूडियो बनाएँ कि ताकि कोरियोग्राफीज आएँ, वहाँ से हमारे पास काम आए। मेरा मेन एम ये है कि हम इन बच्चों को उठाएँ, ना सिर्फ ये कि आर्टिस्ट बना करके टीवी पे पहुंचा दें, क्योंकि टीवी में भी ऐसा ही होता है कि आज आप फर्स्ट नंबर पर हैं, यू आर टॉपर, एंड अगले दिन आपके पास काम नहीं है। मेन थिंग आर्टिस्ट के पास काम होना चाहिए अनटिल लास्ट, जब तक वो जितनी भी एज तक जीते हैं, 72, 80 वॉट एवर, उनके पास लास्ट तक काम होना चाहिए, अपनी अपनी कला से ही अर्न करें। दिस इज़ माई मोटिव एक्चुअली। कितने बच्चे मेरे पास? करीबन अभी 60 बच्चे हैं, और जो पेड बच्चे हैं जिन जो अच्छे अफ्लुएंट फैमिली से आते हैं वो करीबन 150 बच्चे हैं, और हमारी क्लासेस 3 या 4 जगह पर चलती हैं, तो हम उन लोगों से अर्न करते हैं बिकॉज दे वॉन्ट टू परसू हॉबीज़। उनके लिए हॉबीज़ हैं, इनके लिए करियर है, और जहाँ हमारे लिए वो चीज़ करियर बन जाती है ना, वहाँ हम जान लगा देते हैं। दिस इज़ वाई आई एम विद देम, क्योंकि हम बहुत टाइम से यही सोच रहे थे। 2 साल पहले हमने ये सोचा कि हमारे पास ऐसे बच्चे कब आएंगे जब हम उन बच्चों को बोलें कि सिर के बल खड़े हो जाओ, तो खड़े हो जाओ, लेकिन ऐसे बच्चे हमें यहीं पर मिले। कौन कौन से एज ग्रुप के हैं ये? 3.5-4 साल से लेकर के करीबन हमारे पास 17-18 साल तक के बच्चे हैं जो कि अब ट्रूप बनने को तैयार हैं। अब तक जो बच्चे हैं उनके अंदर किस तरह टैलेंट उभर कर आया और कहाँ तक प्लेटफॉर्म उनको मिल पाया? प्लेटफॉर्म उनको जो मिल पाया है, मैं गवर्नमेंट से भी एड लेती हूँ। हम लोग जब वहाँ पर प्रोग्राम्स करते हैं तो गवर्नमेंट उनको पे करती है, वो हम करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए हमें अर्निंग के लिए कोरियोग्राफी से जो भी प्रोग्राम्स आते हैं, कॉर्पोरेट कोरियोग्राफीज आती है, हम इन बच्चों को देते हैं। ये लोग उस पर डांसेस बनाते हैं, हम उनको जगह देते हैं कि यहाँ पर आकर के वो डांसेस प्रिपेयर करें, जस्ट लाइक अ डांस फैक्ट्री। वो लोग यहाँ आकर उसको प्रिपेयर करते हैं और वहाँ आगे जाकर कॉर्पोरेट्स में उनको सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं, वहाँ के एनुअल फंक्शंस करवाते हैं, तो उसमें मैं उन लोगों को गाइड करती रहती हूँ। मीटिंग्स करना, उनके रेम्यूनरेशन तय करना, उनकी फिनांसिस तय करना, वो हम लोग करते हैं। आर्टिस्टिकली हम उनको फ्री छोड़ देते हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी खुद दिखाते हैं और वहाँ जाकर के सक्सेसफुल होते हैं, और वहाँ से जो अर्निंग आती है वही हम इन लोगों में बांटते हैं। अर्लियर जब मैंने 4 साल पहले शुरू किया था, आई थिंक ये लोग अपने घर 1 रुपया भी लेके नहीं जा सकते थे। नाउ ईच एंड एवरी कोरियोग्राफर हु इज़ विद मी इज़ अर्निंग 25,000 to 30,000 अ मंथ। तो ये हम लोगों ने आज 4-5 साल में किया है, ना वॉन्ट कि बहुत सारे बच्चे यहाँ से निकल कर आएँ और जिस भी करियर को चुनते हैं वहाँ पे मंजिल पाएँ। और थैंक यू। ASPA की संचालक अवंती आर्या का कहना है कि ये मेरा 6 साल पुराना सपना है। जब भी मैं रास्ते से गुजरती थी तो गरीब बच्चों को सड़क पर देखती थी, वहीं से मुझे ये स्कूल खोलने का इच्छा हुई, और उम्मीद करती हूँ कि देश के सभी बच्चों को इसका भरपूर लाभ मिले और वो कामयाब बन सके। इसके लिए अवंतिका जी को मैं ब्लेसिंग दे रही हूँ, बहुत शुभकामनाएं हैं इनको। जो काम कर रही हैं, एक सोशल वर्क की तरह कर रही हैं, जो हमारे शहर में ऑलरेडी और जगह भी हो चल रहे हैं, बहुत लोग हैं जो NGOs के थ्रू अपने बच्चों को, जो गरीब बच्चे हैं, गरीब तबका है, जो कहीं पर पैसे दे के नहीं अपना अरमानों को पूरा कर सकते, वो अवंतिका जैसे लोगों से बच्चों को मिल रहा है। और ये बड़े अच्छी की बात है कि इस टैलेंट को लेके हमारे गुड़गांव में इतनी तैयारियां चल रही हैं हर NGO में, तो बच्चों के जो मन की मनोकामनाएँ हैं, चाहे वो डांस में है, चाहे वो आर्ट्स है, चाहे वो किसी भी चीज़ में है, ऐसे NGOs हमारे आगे आ रहे हैं, और हमारे निगम की तरफ से भी पूरी सहायता मिल रही है। इस चीज़ के लिए जो भी कुछ चाहिए होता है हम इन NGO को प्रोवाइड कराते हैं हमारी तरफ से, और हमारी तरफ से बड़ी शुभकामनाएं हैं कि ऐसे और NGOs खुलें ताकि हमारे जो गरीब बच्चे हैं जिनकी मनोकामना हर चीज़ में पूरी हो सके, चाहे वो पढ़ाई से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्ट से हो, चाहे वो डांस से हो, और हर फील्ड में नंबर वन पे आते हैं बच्चे। और पीछे भी अभी स्कूल्स में भी बच्चों ने टॉप किया है ऐसे गरीब तबके के,
बहुत बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया हर जिले में, तो यही शुभकामनाएं। जो अच्छी चीज़ें हैं, सबसे बड़ी बात है कि अपने कला संस्कृति को बहुत आगे ले जाना, आगे इस नए जनरेशन को सिखाना है, यही हमारे लिए देश का भविष्य। अगर इस उज्ज्वल है तो हमारे देश नंबर वन पे कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि बच्चे ही देश का भविष्य है। और इतने छोटे बच्चे इतने टैलेंटेड है, इतनी कला जो इन्होंने अवंती जी ने इतना एक समूह के रूप में जो एक टीम बनाई है, उसके लिए हम सभी से बहुत मदद कर रहा है इस एनजीओ को ऐसे आगे बढ़ने के लिए। और कैसे बच्चों को और पार्टिसिपेट करा जाए, कैसे निगम मदद कर रहा है एनजीओ जो भी हमारे से डिमांड करती है, चाहे उनके किसी से भी रिलेटेड है, उनको इंस्ट्रूमेंट्स हैं या कुछ अपनी प्रोवाइड जगह, जैसे हमारे निगम की जगह है वहाँ पे इनके डांस ग्रुप्स होते हैं जो हर सैटरडे को काफ़ी कम उसमें जो भी करता है उसको हर चीज़ की फैसिलिटी मिलती है वहाँ पे, और पूरी पब्लिसिटी मिलती है हमारे निगम की तरफ से, क्योंकि उसका पूरा न्यूज़ में भी आता है कि कल ये प्रोग्राम हो रहा है, तो पब्लिक ज़्यादा से ज़्यादा देखे और जो भी करना चाहता है उसमें अपना पार्टिसिपेट लोग कर सके। और अपनी जो भी हमारी संस्थाएं हैं या कुछ अच्छे लोग हैं जो इन बच्चों को अपनी तरफ से ड्रेसेस भी करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स करते हैं, और मतलब हर चीज़ की फैसिलिटी होती है कोई।